Assalamu alaikum. In this video, I will discuss the 3-month plan. Here we will discuss how to study, time needed, important theory books, important MCQs books, plan for FCP. First, cover the theory books, then go for MCQs. Time needed almost 3 to 6 months. Important theory books, BRS Physiology, BRS Pathology, firstaidusmle, Snell's Review, Kaplan Neuroanatomy, Big Snell, Abdomen and Pelvis Portion, High Yield Embryology, skkim, Last Days Review Notes. आपने start कैसे करना है? आपने BRS Physiology से CVS Portion किया, फिर आपने firstaidusmle से CVS Portion किया और साथ ही High Yield Embryology से आपने CVS Portion cover कर लिया. इस तरह आपने system wise चलना है. BRS Physiology, Physio cover होगी, Patho cover होगी, Anatomy पोर्शन, एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन और फार्माकोलॉजी पोर्शन का. बेसिक पैथो पोर्शन आपका फर्स्ट एड चैप्टर बीआरएस पैथोलॉजी से कवर हो जाएगा. बिग स्नेल से एब्डोमिन एंड पेल्विस पोर्शन, बाकी स्नेल्स रिव्यू और न्यूरो पोर्शन कैप्लान न्यूरोनेटमी से. माइनर्स फर्स्ट एड यूएसएमएलई से और एसकेकिम लास्ट एज रिव्यू नोट से और एमसीक्यूज कवर कर लेने हैं मेडिकॉल से. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बुक्स एसकेपिंग आपने सारी कवर करनी है. अपनी स्पेशलिटी के पेपर सारे रिसेंट पेपर SK14 एंड SK13 से पहले अपनी स्पेशलिटी के पेपर देन अदर्स आपने कवर कर लेने हैं और उसके बाद आपने रिफ्यूला पॉइंट्स और तनवीर नोट्स के ऑल सेशंस. फर्स्ट मंथ में थ्योरी बुक्स कवर करनी है. लास्ट 2 मंथ में MCQs बुक्स एटलीस्ट 2 टाइम्स कवर कर लेनी है. फर्स्ट रीड में आपने MCQs मार्क कर लेने हैं जो आपको मुश्किल लग गए हैं और सेकंड रीड में आपने वही MCQs करने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.